का एक लड़का दूसरे पक्ष के एक लड़के के साथ उसकी कोई कहा सुनी हुई, लोग इंजर्ड हुए लेकिन एक लड़के को गोली लगी है। गुरुग्राम के पटौदी खंड में एक हिंदू दलित परिवार की लड़की के साथ मुस्लिम समुदाय के लड़के द्वारा लव मैरिज किए जाने का मामला उस समय खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिस समय लड़की पक्ष को दूसरे समुदाय के दबंग लोगों ने घर के अंदर घुसकर मारपीट शुरू कर दी और जमकर पत्थर बरसाए। इतना ही नहीं, सरेआम गोलियां चलाई गई। हालांकि गनीमत ये रही कि गोली एक युवक को ही लगी और 3 लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने एक पक्ष के खिलाफ धारा 307 व दूसरे पक्ष के खिलाफ मारपीट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। 30 जनवरी 2023 को एक व्यक्ति ने पुलिस चौकी पटौदी शहर में आके एक केस दर्ज करवाया था कि मेरी लड़की अपनी सहेली से मिलने के लिए गई थी और वो वापिस नहीं आई, तो उसके संबंध में पटौदी पुलिस स्टेशन में 346 के तहत केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई थी और दिनांक 3/2/2023 को ये चीज ज्ञात हुई कि उस लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें पटौदी के बाबर शाह मोहल्ले की हैं, जिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक दलित परिवार के राकेश नामक व्यक्ति के घर पर मुस्लिम समाज के दबंग लोगों द्वारा परिवार के सदस्यों पर जहां पत्थरों की बारिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ गोलियां भी दाग रही। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग हथियार दिखाकर एक परिवार को पिछले एक सप्ताह से इस तरह से डरा धमका कर अपनी दबंगई दिखा रहे थे कि परिवार के सदस्यों का घर से बाहर निकलना ही बंद किया हुआ था। आरोपियों की घर के बाहर हथियार लहराते व परिवार को धमकी देने की वीडियो भी वायरल हुई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की। इन दबंगों से छुटकारा पाने के लिए राकेश ने अपने कुछ परिचितों को रेवाड़ी में फोन किया, जिन्होंने सोमवार को इसकी सूचना बजरंग दल को दी। रेवाड़ी से जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना मिली, तो वहां सोमवार रात करीब 9:30 बजे पटौदी के बाबर शाह मोहल्ले में पीड़ित परिवार से बात करने पहुंचे। अभी बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता राकेश व उनके परिवार से बात कर रहे थे कि अचानक भीड़ ने उन पर पथराव शुरू कर दिया और वहां पर खड़ी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इनमें 6 फरवरी 2023 को एक पक्ष का एक लड़का दूसरे पक्ष के एक लड़के के साथ उसकी कोई कहा सुनी हुई और इस बात को लेके उसने कोई आपत्तिजनक शब्द कहे, जिस बात को लेके दूसरे पक्ष के लोग वहां पे आके इकट्ठे हो गए और उन दोनों पक्षों में विवाद हुआ और पत्थरबाजी हुई और उसमें गोली भी चलने की बात सामने आई है। हमने दोनों तरफ की शिकायत लेके और उसने एक तरफ से 307 का और एक तरफ से लड़ाई झगड़े का और दूसरी धाराओं के तहत केस रजिस्टर कर लिए हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे फैक्ट्स वेरीफाई होंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। इसमें टोटल 3 लोग इंजर्ड हुए हैं लेकिन एक लड़के को गोली लगी है जो अभी वैसे खतरे से बाहर है, लेकिन उसी में हमने 307 के तहत केस रजिस्टर किया है और उसकी स्टेटमेंट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है और उसका इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर पुलिस प्रवक्ता की माने तो पीड़ित ने जनवरी माह में पुलिस को शिकायत देते हुए कहा था कि मेरी बेटी घर से अपनी फ्रेंड्स के साथ गई लेकिन वापस नहीं आई, जिस मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए धारा 346 के तहत मुकदमा दर्ज कर लड़की की तलाश शुरू कर दी थी। लेकिन कुछ समय बाद जानकारी मिली कि लड़की ने मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर ली है, तभी से दोनों परिवारों में आपसी रंजिश चल रही थी, जिस मामले को लेकर ये पूरा विवाद बताया जा रहा है। जिस मामले में पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल की तैनाती की ताकि ये विवाद आगे ना बढ़ सके और मामले की तस्दीक की जा रही है, लेकिन ये तो पुलिस जांच के दौरान ही स्पष्ट हो पाएगा कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है या फिर आरोपियों ने जबरन दबाव डालकर जोर जबरदस्ती करके लड़की को शादी करने के लिए मजबूर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा, वरदान, पटौदी, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।